ये देखो मोटी लेके चल गए, कितना मिलता है हम लोग को? नो 10 गो तो मिल गए, खतरा हो गया। इसको निकाल लेते हैं, सारा मछली गया पानी में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन देसी विलेज कुकिंग में। तो आप देखो, ये देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमको खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए कहाँ जा रहे हैं और क्या करते हैं। ये देखो इधर में मोटी भी आई है और मामा को भी है। ये देखो नदी पार करना पड़ता, ये नदी छोटा सा नदी है। ये देखो मोटी लेके चल गई, कितना मिलता है? दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए इतना सारा मिल गया है, कितना है? एक गो, दो मछली, नौ, 10 गो तो मिल गए। बड़ा सही वाला मछली तो नहीं है? ये देखो वहाँ पे गाड़ देगी खूंटा, इसका इधर ही साइड में हो गया, उस साइड में देखो उसका। थोड़ा सा मिला है, इसको भी अच्छा से मिला, मतलब मछली कम मिला। भूगोली ये देखो मामा को लाई, और साला देखो देखिए इतना सारा मछली मार लिए हैं। तो सब करेंगे रगड़ रगड़ करके ताकि ऊपर वाला दो। और ये देखिए यहाँ पे धो रही है मोटी, और यहाँ पे हम नहा रहे हैं। हम लोग का स्विमिंग पूल, ये देखो देसी स्विमिंग पूल दिखाते हैं। ये देखो कितना मस्त, एकदम गर्मी का मौसम है ना आया, एकदम ठंडा ठंडा पूल के लिए देखो बहुत मस्त लग रहा है। तो पहले नहा लेते हैं, मछली उछली धो लेते हैं, इसके बाद फिर घर जाके मिलते हैं आप लोग से। तो दोस्तों अभी हम दोनों घर आ गए, मछली उछली सारा सब कुछ ले कर के, घोगोली सोगोली। ये देखो मछली यहाँ पे रखे हैं, और मोटी उधर चूल्हा नहीं जा रहा है, ये पावर देने के लिए नहीं है, इसीलिए फूक फूक मुँह से देखो फूफू करके जलने लगा। दोस्तों मछली को बीस में काट लेते, दो पीस बनाएंगे और हल्दी का पाउडर डालेंगे ताकि इसको
थोड़ा सा पिस्ता दो पिस्ता डालेंगे ये हल्दी का पाउडर डालेंगे इसको मिला लेते हैं क्या है तो नहीं है इसे चला लेते हैं बीच में ये बार ना ये तो दो ठो चिल्लियां हैं इसको कटिंग करेंगे मिट्टी से दो गोलो की ये देखो किस तरह हम लोग देसी स्टाइल से कटिंग करते हैं छोटा छोटा लौकी है ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो ये देखिए इसी तरह कटिंग कर रही हैं कटिंग कर रहे हैं देसी स्टाइल देसी मतलब पूरा देसी स्टाइल से कटिंग और इधर से आलू हल्का छील लेते हैं ऊपर ऊपर वाला कसा छिल लिए हैं तो कटिंग करेंगे इसी तरह पतला पतला सच आलू तो कटिंग कर लिए हैं इसको धो लेते हैं थोड़ा सा वाश लेंगे ये है गोइठा गोबर से गोइठा होता है और इसी से हम सब्जी पकाते हैं खाना पकाते हैं देसी मतलब देसी स्टाइल से और देसी लोग तो आप लोग को जलते ही होंगे इस तरह जलने लगा तो चढ़ाएंगे कढ़ाई इधर आलू और लौकी नमक ऐड कर देते हैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देते हैं ताकि एकदम अच्छे से फ्राई हो एक बार में डालेंगे कढ़ाई तक गर्म हो गया है डालेंगे सरसों का तेल एक बार घुमा लेते हैं तेल तक गर्म हो गया अब डालेंगे ये मछली का पीस तो हम जा रहे हैं मसाला पीसेंगे और ये फ्राई करके हम रेडी करेंगे तो जा रहे हैं मसाला पीसेंगे तो दोस्तों मोती तो मसाला पीसने के लिए चल गई इसको हम फ्राई कर देते हैं ताकि जल्दी होगा हम लोग का सब्जी पहले मछली को फ्राई कर लेते हैं इसके बाद लौकी वोकी जो भी क्या क्या मिलाएगी इस तरफ फ्राई करना हमको आता है कि नहीं लेकिन तो उधर अदरक अदरक नहीं अदरक थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं मिर्चाई का गुंडी इधर फ्राई हो गया इसको निकाल लेते हैं फ्राई कर लिए हैं अब डालेंगे ये है गोटा वाला रसून हल्का सा थोड़ा ठोके हल्का सा ठोके हैं तो डाल लेंगे तो ये देखिए लहसुन पहले डाल दिए इसको थोड़ा हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा इसके बाद फ्राई हो गया है अब डालेंगे ये लौकी लौकी और आलू और मछली तो उधर फ्राई हो गया तो नमक डालेंगे सॉस के अनुसार से ढक देते हैं ढक्कन लगा के थोड़ा कुछ देर के लिए ढक्कन खोल करके देखते हैं पानी खत्म हो गया है पीस करके लाए थे तो डाल देते हैं
इसके बाद डाल लेंगे हर ये है हल्दी तो फ्राई हो गया है। अब डालेंगे मसाला का पानी थोड़ा हल्का सा झोल बना हल्का सा ढककेगा तब तक हम चपक उड़ जाएंगे पानी लाने के इधर भी मेरा सब्जी तो डपक गया तो लगाएंगे मछली का पीस फ्राई मछली सारा मछली गया पानी में सारा मछली पानी में गए चपक चपक तो दोस्तों मेरा सब्जी हो गया उतार देंगे।